नदर फैक्टर ऑफ प्रोसेस डिजाइन इज स्माल लॉट साइज स्मॉल लॉट प्रोडक्शन जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्वेंट्री हमने किया हुआ का ऑर्डर क्वान्टिटी जो भी होगी तो एवरेज इन्वेंट्री इज क्यू डिवाइडेड बाई टू तो इसके अंदर जितने भी छोटा uh, हम ऑर्डर लॉट साइज होगा उतनी इन्वेंट्री रिड्यूस होगी uh, इसके अंदर रीवर्क uh, बहुत कम हो जाता है फॉर एग्जांपल uh, अगर देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम और इक्विपमेंट uh, के अंदर कोई इशू है टेक्निकल uh, इशू हो रहा है उसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अगर लार्ज लॉट साइज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर डिफेक्ट क्या है और जब तक सारे यूनिट्स प्रोड्यूस होकर जैसे मैंने बताया था कि एक लॉट उसके अंदर लट से अगर 500 यूनिट्स हैं लॉट की प्रोडक्शन में तो वो 500 के 500 हंड्रेड पर जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरे वर्क सेंटर की तरफ मूव नहीं कर सकते तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रॉब्लम है सिस्टम में और इसमें इक्विपमेंट के अंदर और डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो यह उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक ये 500 के 500 सौ यूनिट प्रोड्यूस होकर डाउन स्ट्रीम वर्क सेंटर नहीं पहुंच जाते और वहां चेक होता है तो पता चलता है कि ये प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है अगर स्मॉल लॉट साइज होगा लेट्स से इंस्टेड ऑफ 500 हंड्रेड ओनली टेन यूनिट्स तो वो 10 यूनिट्स के ऊपर रीवर्क होगा क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम हुई होगी इंस्टेड ऑफ फाइव यूनिट जो कि एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लार्ज लॉट साइज की प्रोडक्शन में होता है स्टोरेज uh, स्पेस कम चाहिए होगी क्योंकि लॉट साइज ही कम है तो इन्वेंट्री हम कम मेंटेन कर रहे हैं इन्वेंट्री कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्टोरेज स्पेस हमें कम चाहिए होगी प्रॉब्लम्स uh, जल्दी आइडेंटिफाई होंगे अगेन जैसे मैंने बताया कि 10 यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम है लॉट uh, के अंदर कोई इशू आया है तो वो दस यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद फ़ौरन पता चल जाएगा लार्ज लॉट साइज होता तो लट से हंड्रेड यूनिट्स हैं तो वो हंड्रेड यूनिट्स के बाद पता चलता है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बाद में होता बहुत लेट होता और अच्छा खासा रीवर्क हमें करना पड़ता प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है स्मॉल लॉट साइज है आप बड़ी जल्दी मार्केट की डिमांड चेंज हुई है आपने वो दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा मॉडल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है इसमें आपका जो ऑपरेशंस के बैलेंस करना आसान हो जाता है क्योंकि आप लट से तीन यूनिट्स एक टाइप के प्रोड्यूस किए फिर दो यूनिट्स दूसरे टाइप के फिर तीन यूनिट एक टाइप के तो उसके बेसिस के ऊपर यू कैन ईजीली बैलेंस योर सिस्टम तो उसमें आसानी हो जाती है रादर देन लॉट लार्ज लॉट के बाद प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर सिस्टम को बैलेंस करने में आइडियल सिचुएशन इज अ लॉट ऑफ वन कि एक के बाद आप चेंज कर सकें तो फ्लेक्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी आपको इन्वेंट्री भी, भी बिल्कुल मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी एंड बट That is uh, basically not uh, possible, uh, but iske andar just in time के goes it comes very close to one lot one uh, size of one a lot size of one uske bilkul bahut close aa jate hain That is their target। और इसकी वजह से inventory भी zero होगी, तो inventory का target भी zero inventory का basically इसी तरह वो achieve कर सकते हैं। uh, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट फिजिबल इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट स्टिल कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर 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 वी कैन कम क्लोज टू दिस लॉर्ड साइज ऑफ वन के कॉन्सेप्ट के ऊपर uh, इसके अंदर हम ई क्यू uh, कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि uh, ये सेटअप टाइम uh, क्या होगा डिजायर्ड uh, जिसके बेसिस के ऊपर लॉट साइज़ जो है आपका आ, अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर देखें तो लॉट साइज़ अगर टू के है तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो क्यू ओवर टू बेसिकली विल बी 100 यूनिट्स की सो यू कैन इमेजिन कि अगर यही लॉट साइज़ हम 200 से कम कर कर हंड्रेड पर ले आते हैं तो उस वक़्त हमारी एवरेज इन्वेंट्री विल बी ओनली 50 यूनिट्स तो इसको हमने कितना कम कर लिया और अगर इसको हम इवन फर्दर कम ले जाएं लेट से 10 यूनिट्स पर तो पाँच यूनिट की एवरेज इन्वेंट्री होगी जिसके लिए हमें स्पेस भी नहीं चाहिए होगी और इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज uh, हो जाएगी uh, इस केस के अंदर अगर हम स्मॉल लॉट साइज को टारगेट करते हैं